कोचिंग नगरी कोटा में पढ़ने वाले स्टूडेंट लगातार तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। इसके चलते स्टूडेंट लापता होने के मामले भी लगातार जो सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जो है वो कुन्हारी थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर एक्जोटिका गार्डन के पीछे केनाल रोड स्वर्ण विहार में पीजी में रहकर एलन कोचिंग से नीट यूजी की कोचिंग कर रहा एक छात्र अचानक से लापता हो गया। स्टूडेंट के कमरे में एक नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने लिखा है, मुझे बैराज के करीब खोज लेना। मामला सामने आने के बाद पुलिस टीम हरकत में आई और छात्र की तलाश की जा रही है। वहीं कुन्हार थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया है कि लापता छात्र की शिनाख्त 19 वर्षीय अमन कुमार सिंह, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, उसकी तलाश की जा रही है। वो 2 साल से कोटा में रहकर नीट यूजी की तैयारी कर रहा था। इस संबंध में परिवार को सूचना दी गई है। वहीं कोटा के विज्ञानगर थाना एरिया से एक छात्र पहले से लापता है। 7 दिन से पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। ये एक बच्चा है, कुन्हाड़ी में एक्जोटिका के पास स्वर्ण विहार में पीजी में रहता है। 2 भाई साथ रहते हैं। परसों के दिन रात को वो करीब उसका जो जब छोटा भाई सो गया, उसके बाद 12:30-1 बजे करीब वो घर से निकल गया और उसके पलंग पर एक नोट छोड़ गया कि मेरे को बैराज में ढूंढ लेना, इस तरह। अमन कुमार सिंह नाम है बच्चे का, जो बिहार का है। जब सूचना मिली थाने पर, तो उसके परिजनों को सूचित किया और उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की है। तब से उसको लगातार ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। और बैराज वगैरह पर भी हमने तलाश कराया, परंतु बाकी चीज़ें भी उसमें इस तरह की थी कि वो जो भी उसने नोट लिखा वो तो सही नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि वो कहीं किसी यार दोस्त के साथ कोटा से चला गया। तो पहले हॉस्टल में रहा था, भाई के आने के बाद पीजी में रहने लगा। हाँ, पहले हॉस्टल रहता था 2 साल से। जब से इसका छोटा भाई आया है तो दोनों भाई कमरा लेके पीजी में रह रहे हैं।